बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। मेरा नाम मुश्ताक है। मेरा ताल्लुक कराची के इलाके नाजिमाबाद से है। ये वाकया उस वक्त का है जब मैं कॉलेज में तालीम हासिल करता था। उस वक्त कराची में इतनी चहल पहल और सहूलतें भी नहीं थी जितनी की आज है। कॉलेज जाने के लिए मुझे करीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जब जाकर बस स्टॉप आता था, रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता था। ये पेड़ वैसे तो आम बरगद के पेड़ों जैसा था, पर इसमें खास बात मौजूद थी और वो इसका तना था जो नीचे से दो हिस्सों में बटा हुआ था और इसकी शाखें छतरी की तरह नीचे को झुकी हुई थी। मैं अक्सर इस पेड़ को देखने के लिए वहीं एक टी स्टॉल पर रुक जाता। मुझे इसे देखना बहुत अच्छा लगता था। एक रोज़ हसबे मामूल मैं स्टॉल पर चाय पी रहा था और उसी पेड़ को देख रहा था। चाय वाले ने कहा, भाई इस पेड़ से वाबस्ता एक कहानी है, क्या तुम्हें इसका पता है? मैं चाय पीते पीते एकदम चौंका, कैसी कहानी? अरे भाई तुम्हें नहीं पता, इस पेड़ पर जिन्नात का साया है। लोग कहते हैं कि इसमें जिन्नात के घर मौजूद हैं, जो भी इन्हें पसंद आता है उसे अपनी दुनिया में ले जाते हैं। चाय वाले की बातें सुनकर मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने कहा, भाई ये जिन भूत कुछ नहीं होता, बस हमारे दिमाग का खलल होता है। गो के उसने मुझे हर तरह से राम करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल और दिमाग इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरी नज़र में बस ये दरख्त एक नायाब दरख्त था जिसमें कोई अनहोनी बात ज़रूर थी, मगर जिन्नात वाली बात तो बिल्कुल फजूल थी। उस दिन कॉलेज में बातों बातों में अपने दोस्त इकबाल से, जो कि हमारे ही मोहल्ले में रहता था, मैंने उस पेड़ के बारे में पूछा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा लड़का था और शायद वो कोई इल्मी बात करता, मगर कहने लगा कि मैंने तो उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि इस दरख्त पर जिन्नात का बसेरा है, हाँ पर यकीन करना मुश्किल है। मैं उसकी बात पर मायूस हो गया। खैर हमारे इम्तिहान नज़दीक थे, मैंने इन बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना मुनासिब समझा। मेरे सालाना इम्तिहान में बस एक ही महीना बाकी था तो मैं रात को देर तक पढ़ाई करता। उन दिनों हफ्तावार छुट्टी जुमे को होती थी। वो दिन जुमेरात का था। मैं रात को देर तक पढ़ाई करता रहा था क्योंकि अगले दिन सुबह सवेरे उठने की फिक्र नहीं थी। इतने में मुझे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, मुश्ताक बेटा सो जा, इतनी देर जागेगा तो बीमार पड़ जाएगा, चल शाबाश मेरा पुत्र सो जा। अम्मी की बात पर भी मैंने किताब ना बंद की तो अम्मी खुद ही मेरे कमरे में आ गई, मुझे ज़बरदस्ती किताब छीनकर सुला दिया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे भी नींद आ गई। फिर अचानक अम्मी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, मुश्ताक बेटा उठ जा, इकबाल आया है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। हैरान हो गया कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, अभी 2 मिनट पहले ही तो सोया था। खैर मैं जल्दी से फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो इकबाल अपने किसी कज़िन के साथ था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, उसने खुद ही बताया कि उसका कज़िन जावेद लाहौर से आया है, कराची घूमना चाहता है। मैंने इकबाल को रुकने का कहा, बाकायदा तैयार होकर आ गया। अम्मी ने कहा, नाश्ता तो करते जाओ। इकबाल बोला, आंटी नाश्ता हम बाहर ही कर लेंगे। ये कहकर हम तीनों वहाँ से निकल पड़े। अभी कुछ दूर ही गए थे कि जावेद की नज़र उसी बरगद के पेड़ पर गई। उसे भी उस पेड़ के ज़ाहरी खुदोखाल देख कर बहुत हैरत हुई। हम इधर उधर वक्त बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ गए। छुट्टी का दिन और सुबह का वक्त, रास्ता बहुत सुनसान था। हम दोनों बातें करते करते न जाने कहाँ आगे तक पहुँच गए। ये शायद कोई और इलाका था, पर ना ही मैं इस इलाके से वाकिफ था और ना ही इकबाल। खैर हमारा इरादा तो बहुत सी जगहों पर जाने का था क्योंकि उस परदेसी को हमने अपना पूरा शहर दिखाना था, सो हमने इस इलाके को जानने की जहमत गवारा नहीं की। पर जिस बात ने हमें ज़्यादा हैरत ज़दा किया था वो ये थी कि वो इलाका या मोहल्ला बहुत ही साफ सुथरा था। सब मकानों में यकसानियत लाने के लिए सफ़ेद किस्म का रंग था और सबसे मज़े की बात ये थी कि इतनी सुबह वहाँ बाजार खुल चुका था। इकबाल ने मशवरा दिया कि यहीं से नाश्ता करके आगे बढ़ते हैं। एक दुकान पर पहुँचे तो हम लोगों ने नाश्ते का पूछा, वहाँ पर सिर्फ दूध जलेबी और पराठा थे। हमने आलू पराठे मंगवाए। अभी तो हम लोगों ने कोई एक ही दो ही निवाले लिए होंगे कि हम तीनों के मुंह से वाह निकली क्योंकि हमने
इतने लजीज पराठे पूरे कराची में नहीं खाए थे। हैरत की बात यह थी कि वहाँ पर चाय नहीं थी। हमने दूध पीने पर ही इक्तफा किया। दूध भी कसीर और बादाम से लबरेज था। हम लोग नाश्ता करके सैर हो गए। इकबाल ने पैसे पूछे तो दुकान वाले ने हाथ के इशारे से बताया 5। इकबाल ने 50 का नोट दिया। वो हमारी तरफ देख कर मुस्कुराया और फिर हम लोग चलते बने। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, एक अजीब सी अनहोनी का एहसास हमारे जहनों पर छा रहा था। इस मोहल्ले की साफ सफाई और मकानों को देखकर मुझे तो बचपन में पढ़ी परियों और शहजादियों की कहानियां याद आ गई थीं, क्योंकि ये मकान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती और नफासत से बने हुए थे, जबकि आसपास इस कदर सब्जा था कि कराची का तो ये हिस्सा ही मालूम नहीं होता था। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आ गए हैं। तभी इकबाल ने पूछा, यार ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है, हमने खुद भी नहीं देखी, ये हम कहाँ आ गए हैं? इकबाल ने मुझसे पूछा, पर मुझे भी हैरत ज़्यादा देखकर इकबाल ने मजीद कुछ न पूछा, क्योंकि हम लोग खुद नहीं जानते थे कि इस जगह का नाम क्या है। खैर, अभी हम लोग बाजार से थोड़ी दूर ही थे कि मेरा दिल किया हम दोबारा उसी बाजार में जाएं। मेरे इसरार पर मैं, इकबाल और उसका कज़िन एक दुकान में पहुंचे। अंदर जाते ही एक खुशगवार ठंडक ने हमारा इस्तकबाल किया। दुकानदार का लिबास तकरीबन उसी खोखे वाले के मालिक से मिलता जुलता था, बस इसके लिबास में सिर्फ रंग का फर्क था। ये दुकान खुश्क मेवा जात की थी। हमारे वहाँ पहुँचने की बस देर ही थी कि हमारे लिए ठंडा शरबत पेश किया गया। मुझे उस दुकान वाले की मेहमान नवाजी पसंद आई। फिर हमने कुछ मेवा जात वहाँ चखे, पसंद आने पर बंधवाते गए। हमने पैसे पूछे तो उसने हाथ के इशारे से बताया कि 10 रुपये। मुझे हैरत हुई, मैंने पूछा 10 क्या? उसने कुछ न कहा। मैंने उसे 100-100 के 10 नोट दिए, हालांकि ये मेवा जात 15-20 हज़ार से कम के नहीं थे। उसने हैरत से मुझे देखा और मुस्कुराया। कुछ हैरत मुझे भी हुई कि इतने कम दामों में खुश्क मेवा जात आजकल तो पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलते। खैर, हम इसी तरह घूमते रहे। हम भूल गए थे कि हमें जावेद को बाकी शहर भी दिखाना है। इतने में जुमे की आजान हुई। हमने सोचा मोहल्ला इतना अच्छा है तो मस्जिद कितनी अच्छी होगी। तभी हमने पास से गुजरते एक आदमी से मस्जिद का पता पूछा। उसके पते के मुताबिक मस्जिद करीब ही थी। खैर, हम लोग मस्जिद पहुंचे। मस्जिद देखकर हैरत हुई, क्योंकि ये भी दूसरी इमारतों और दुकानों की तरह मट्टी गारे से बनी हुई थी। हम तीनों मस्जिद के अंदर पहुंचे तो और भी ज्यादा हैरान रह गए। बाहर से छोटी दिखने वाली मस्जिद अंदर से इतनी वसी होगी सोचा तो नहीं था। दूसरी चीज जिसने हमें हैरान कर दिया वो इस मस्जिद के दरो दीवार से उठने वाली खुशबू और इस पर लिखी हुई सोने से कुरानी आयतें थीं। खैर, हम लोगों ने वहाँ पर वक्त ज़ाया नहीं किया और जल्दी से वजू करके नमाज पढ़ी। खैर, फिर हम लोग वापस हो लिए। वापसी पर तजस्स के मारे मैंने एक शख्स से इस मोहल्ले का नाम और यहाँ से बस स्टॉप का रास्ता पूछा। वो शख्स हमें देखकर मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी और नूर था। कहने लगा, लगता है आप इस मोहल्ले में पहली बार आए हैं। हमने इस बात में सर हिलाया। फिर उसने कहा, अभी सुहराने का वक्त है, अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे घर दावत कबूल कीजिए। पहले तो हम उसके दावत देने के अंदाज के गर्विदा हो गए। फिर हमने आपस में मशवरा किया और उसके साथ जाने की हामी भर ली। वो शख्स आगे आगे चलता रहा, हम उसके पीछे। थोड़ी ही देर के बाद उसका घर आ गया। घर का दरवाजा उसकी बीवी ने खोला। जब हम लोगों के सामने खाना पेश किया गया तो खाने में तकरीबन 10 इकसाम के खाने थे। खाना इंतहाई लजीज था। खाते खाते इकबाल ने उनसे पूछा, जनाब आप शायर हैं क्या? आपके दावत देने का अंदाज बड़ा ही मुनफरिद था। तभी वो शख्स जिसने अपना नाम तालिब बताया था हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, मैं तो बस एक आम सा मजदूर हूँ। फिर उसने खाने के बाद हमें शरबत पेश किया। हमने घड़ी देखी तो वाकई बहुत देर हो चुकी थी। खैर, हम लोगों ने शरबत पिया क्योंकि मुरव्वत का तकाजा था। फिर हमने तालिब से इजाज़त मांगी और उससे पूछा कि इस मोहल्ले का नाम क्या है। हमने सवाल दोहराया कि यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है। तभी वो हमें लेकर घर से बाहर आ गया। चलते चलते हमसे कहने लगा, हमें बताइए आपको हमारे मोहल्ले में आकर कैसा लगा? मैंने कहा, तालिब जी, इतना साफ और मुनज़्ज़म मोहल्ला
पूरे कराची में नहीं है। हाँ, कराची तो क्या तुम्हारे पूरे मुल्क में नहीं है, उसने तंजिया लहजे में कहा, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया में नहीं है। अब तालिब की बात ने हम तीनों को हैरत में मुब्तला कर दिया। तो फिर ये कौन सी जगह है, इकबाल ने घबराते हुए पूछा। तुम लोग इस वक्त जिन्नात के महल्ले में हो, यहाँ सभी जिन्नात बसते हैं। किसी इंसान का यहाँ तक दूर दूर तक आना जाना नहीं है। उस शख्स का अजीब सा अंदाज देखकर हम तीनों रुक गए। तो क्या आप भी, इकबाल के अल्फाज उसके हलक में अटक गए। जी, सही पहचाना आपने, मैं भी एक जिन्नजाद हूँ। हमारे बारे में लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं, पर जिन्नात की दुनिया में तो नेक जिन्नात भी होते हैं और नेक मोहल्ले भी, जैसे कि हमारी ये बस्ती। हम गाहे पकाहे अपनी बस्ती की सैर इंसानों को करवाते रहते हैं, मगर इंसान भी अजीब है। जब तक हमारा मोहल्ला देख न ले, हमारे वजूद पर यकीन ही नहीं करते। और फिर जब कोई हमारे वजूद पर यकीन नहीं करता, तो हम उसको सबूत देते हैं कि इस दुनिया में और भी मखलूकात हैं और हम भी खुदा ताला की मखलूक में से एक हैं। उस शख्स की बातें हमें हैरान भी कर रही थी, मगर साथ ही साथ हमें डर भी लग रहा था। मुझे बताइए, हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, मेरे माथे पर परेशानी के आसार थे। वो शख्स इत्मीनान से बोला, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको आपके घर पहुँचा दूंगा। फिर हम तालिब के पीछे पीछे हो लिए। कुछ दूर ही जाने के बाद एक लकड़ी का दरवाज़ा नजर आया। तालिब उसके पास खड़ा हो गया और कहा, इस पर 3 बार दस्तक दीजिएगा, ये अपने आप ही खुल जाएगा। जब ये खुल जाए तो बिना कुछ कहे सुने इसके पार हो जाना। इस दरवाजे के जरिए तुम लोग खुद ही अपने शहर पहुंच जाओगे। तालिब की बात पर हमें और ज्यादा हैरत हुई थी। फिर वो वहां से गायब हो गया। मैं, इकबाल और जावेद तीनों डरते डरते उस लकड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचे, उस पर 3 बार दस्तक दी। अभी कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हम लोग बारी बारी बिना कुछ कहे सुने उस दरवाजे से पार हो गए। डर भी लग रहा था कि न जाने किस मुसीबत में फंस जाएंगे, मगर फिर हमने देखा तो हम लोग उसी बरगद के पेड़ के पास थे। हम अपने शहर के करीब आ चुके थे। हमने खुदा का शुक्र अदा किया, जबकि इकबाल और जावेद अपने अपने घरों को चले गए। मैं भी जल्दी से अपने घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अम्मी की जोरदार आवाज आ गई, अरे मुश्ताक बेटा, दिन चढ़ गया है, उठ जा, दुनिया उठ गई है और तू अब तक सो रहा है। मना भी करती हूँ रात को देर तक न पढ़ा कर। जब अम्मी की आवाज कानों में पड़ी तो मेरी आंख खुल गई। मेरा सर भारी हो रहा था, जबकि मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। मैंने सोचा, क्या ये सब ख्वाब था? अगर ये ख्वाब था तो कितना हसीन था, मगर मैं तो यहाँ दरवाजे में खड़ा हूँ। ख्वाब तो सोते हुए आते हैं। खैर, उस दिन के बाद जब भी मैं उस पेड़ को देखता था, ऐसा लगता कि जिन्नात की दुनिया मुझे बुला रही हो। अब तो काफी साल हो गए हैं, जमाने की तरक्की के साथ उस पेड़ को भी वहां से निकाल दिया गया है, पर कभी कभी सोचता हूँ, काश उस पेड़ को ये लोग ना काटते तो आज भी मैं जिन्नात की उस हसीन दुनिया में जा सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।